दोस्तों इस तरह का रील्स अभी इंस्टाग्राम पर बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है। क्या दोस्तों आप भी चाहते हो कुछ इस प्रकार का रील्स वीडियो एडिटिंग करना अपने फोटो के साथ या किसी के भी फोटो के साथ? तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी को सिखाऊंगा इस तरह का आपको रील्स वीडियो किस तरह से क्रिएट करना है। इस तरह का रील्स वीडियो क्रिएट करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा। एप्लीकेशन का नाम है काइनमास्टर। अगर दोस्तों इस तरह का रील्स वीडियो अगर आप लोग खुद से अगर क्रिएट करना चाहते हो तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर एंड तक देखते रहो। अगर दोस्तों आप लोग अगर मेरे से अगर कोई भी वीडियो अगर आप लोग एडिटिंग क्रिएट करवाना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट या इंस्टाग्राम पर जरूर मैसेज करना, या दोस्तों आप लोग इस नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको काइनमास्टर ऐप को ओपन करना है। काइनमास्टर ऐप आप लोग जैसे ओपन करोगे आपका काइनमास्टर का इंटरफेस कुछ इस प्रकार का दिखने को मिलेगा। उसके बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करके आपको सेलेक्ट करना है 9:16। उसके बाद आपको नीचे क्रिएट में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक बार बैक आना है। आपको दोस्तों ऊपर मिलेगा मीडिया ऑप्शन, इस मीडिया ऑप्शन में जाना है। जाने के बाद दोस्तों आपको एक लिरिक्स वीडियो को ऐड करना है। दोस्तों लिरिक्स वीडियो को ऐड करने के बाद दोस्तों इस प्रकार का आपको इंटरफेस दिखने को मिलेगा। आपको दोस्तों फिर से इस मीडिया ऑप्शन में जाना है, और जाने के बाद दोस्तों अपने गैलरी ओपन हो जाएगा। और अपने गैलरी से दोस्तों यहाँ पर आपको लगभग दोस्तों आपको 10 से 15 फोटो को आपको दोस्तों ऐड करना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो फोटो पसंद है आपको कुछ इस प्रकार से फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं फटाफट से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को दिखाने के लिए मैं कुछ फोटो को ऐड किया हूँ, और फोटो ऐड करने के बाद आपको आ जाना है वीडियो के स्टार्टिंग पोजीशन में। लेयर ऑप्शन में जाके आपको मीडिया ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद आपको एक सॉन्ग वाला वीडियो को ऐड करना है और ओके में क्लिक करना है। आपको नीचे मिलेगा एक्स्ट्रा स्टूडियो, यहाँ पर एक्स्ट्रा स्टूडियो करना है, और ऊपर वाला वीडियो को डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद दोस्तों जैसे आप आगे आओगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको सॉन्ग का बीट आपको दिखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सॉन्ग का बीट यहाँ पर मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको आ जाना है। आ जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक बार टच करना है तो यहाँ पर ब्लू डॉट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों वीडियो को आगे ले जाओगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको बीट यहाँ पर आपको दिखने को मिलेगा। मतलब दोस्तों आप जैसे वीडियो को प्ले करोगे आपको दोस्तों बीट आपको बहुत ही आसानी से आपको दिखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों जहाँ जहाँ बीट मार्क आ रहा है तो दोस्तों वहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से एक ब्लू डॉट को आपको लगवा लेना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं फटाफट से सभी बीट मार्क के हिसाब से मैं ब्लू डॉट ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं आप सभी को दिखाता हूँ। तो दोस्तों देख रहे हो यहाँ पर मैं सभी बीट मार्क के हिसाब से ब्लू डॉट को ऐड कर चुका हूँ। और ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको फर्स्ट ब्लू डॉट में आना है, और आपको फोटो में क्लिक करके सीजर वाला ऑप्शन में जाकर राइट साइड ट्रिम करना है। उसके बाद नेक्स्ट फोटो में क्लिक करके कुछ इस प्रकार से आपको दोस्तों फोटो को ट्रिम करना है। जितना ब्लू डॉट दोस्तों आपने क्रिएट किया है दोस्तों सभी ब्लू डॉट में जाके आपको फोटो का लेंथ कुछ इस प्रकार से आपको कट करना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख रहे हो मैं सभी फोटो को कट कर चुका हूँ। और कट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको फर्स्ट फोटो में क्लिक करके यहाँ पर आपको आ जाना है क्लिक ग्राफिक में। और आने के बाद दोस्तों कॉल मी डीजे फिट क्लिक ग्राफिक 0 को 0:02 को सिलेक्ट करना है। और 0:02 को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो दोस्तों बीट मार्क दिखने को मिलेगा दोस्तों यहाँ पर आपको इस इफेक्ट को इस तरह से आपको एडजस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका जितना फोटो है दोस्तों सभी फोटो में क्लिक करके कॉल मी डीजे फिट में जाना है, और आपको 0:02 को सिलेक्ट करना है। अगर आपका काइनमास्टर में कॉल मी डीजे फिट क्लिक ग्राफिक नहीं है तो आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा किस तरह से कॉल मी डीजे फिट क्लिक ग्राफिक काइनमास्टर में ऐड करना है। तो दोस्तों आपको एक एक करके सभी प्लस वाला आइकन में कुछ इस प्रकार से आपको कॉल मी डीजे फिट क्लिक ग्राफिक को ऐड कर लेना है। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सभी प्लस बलाइकन में यहाँ पर मैं आप सभी फोटो में कॉल मी डीजे फिट क्लिक ग्राफिक को ऐड कर चुका हूँ। और ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, आपने जो सॉन्ग ऐड किया था इसको आपको डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद लेयर ऑप्शन में जाके आपको मीडिया ऑप्शन में आना है। आने के बाद दोस्तों वही वीडियो को आपको फिर से ऐड करना है जो आपने सॉन्ग से ऐड किया था, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन में जाके इसको फुल स्क्रीन करना है। और आपको नीचे मिलेगा यहाँ पर ब्लेंडिंग ऑप्शन, और ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके स्क्रीन में क्लिक करना है। स्क्रीन में क्लिक करने के बाद फिर से लेयर ऑप्शन में जाके मीडिया ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर आपको एक PNG बॉर्डर का दोस्तों आपको ऐड करना है, और PNG बॉर्डर को फुल स्क्रीन करना है। और इस प्रकार से दोस्तों आपको PNG बॉर्डर को आपको दोस्तों कर लेना वीडियो का एंड तक। एंड तक करने के बाद स्टार्टिंग पोजीशन में आके दोस्तों जैसे वीडियो को प्ले करोगे आपका भी वीडियो दोस्तों मेरे तरह एडिटिंग हो जाएगा। दोस्तों कुछ इस प्रकार का अगर एडिटिंग क्रिएट करने में अगर आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर दोस्तों इस वीडियो को अगर आप सभी को अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।